हेलो, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल ने कौन कौन सी चीजों पे एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में कुछ डिटेल्स हम अच्छे से समझेंगे। इसके बारे में और भी वीडियो अपन लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि मेंडल ने ऐसे कौन कौन सी चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया जो आगे जाके उनको सक्सेसफुली एक फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाती है। तो बात करते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट एग्जामिन्ड, यानी कि वही उनमें क्या कर रहा था, उन चीजों पे एग्जामिन किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। कौन कौन सी चीजों पे? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स लिए थे, उनके ऊपर उन्होंने एग्जामिन किया कि क्या क्या इनमें बदलाव आ रहे हैं और कैसे ये अलग अलग टाइप से चेंजेस हो रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं, शेप कैसे चेंज हो रहा है, फ्लावर का कलर कौन सा आ रहा है, इन सभी पे उन्होंने एग्जामिन किया था। तो वो कौन कौन से फैक्टर थे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो वो सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स में से पहली है सीड शेप, दूसरी है सीड कलर, तीसरा है पॉड शेप, चौथा है पॉड कलर, पांचवा है फ्लावर कलर, छठा है फ्लावर पोजिशन। और ये सारी चीजें उनने कहाँ पे देखी थी? अलग अलग स्टेम के लेवल पर, कि स्टेम से उनकी लेंथ कितनी दूर है और वो स्टेम पे किस वाली पोजीशन पे आ रहे हैं, इन सभी की उनने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उनको एग्जामिन किया। ही डिड वाज क्रिएट अ प्योर जनरेशन। उनने जो भी डिस्कशन किया, जो भी एग्जामिन किया, जो भी उन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा है, वो पी प्लांट की प्योर ब्रीडिंग के बाद उनने अपने एग्जामिन में किया है। मतलब पूरा का पूरा प्योर उनने सारी ब्रीडिंग क्लियर करी, उसके बाद ही उन्होंने एग्जामिन करना स्टार्ट किया। He also did cutting away the stamen. Stamen यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनमें, उसको अलग हटा के अपने हिसाब से उनमें पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवा के आर्टिफिशियल टाइप से उन्हें अपने एक नया पी प्लांट्स को भी बनाया है। यानी कि यहाँ पर स्टेमन जो है पर्टिकुलर किसी फ्लावर पे, जैसे सपोज ये फ्लावर है और इस पे जो स्टेमन है, स्टेमन यानी कि जो पोलन से होते हैं, इनमें पोलन ग्रेन होते हैं। ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जाते हैं, तो स्टिग्मा पर जाने के बाद यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस स्टेमन की अगर उनको जरूरत नहीं है तो उनने कट करके उनको हटा भी दिया है और अपने हिसाब से उनने यहाँ पे पोलन रखे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाया। आगे बढ़ते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट केम बिफोर नॉलेज। मेंडल ने जब अपने पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए थे, बहुत सारे अपन ने, जब हम जानते हैं कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने से पहले ही उन्होंने एक वर्ड हमें एक इंट्रोड्यूस करवाया था फैक्टर के नाम से। फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने ये नाम नहीं दिया था कि ये क्या चीज़ है, जीन है या क्रोमोसोम है। उन्होंने सिर्फ ऐसी चीज़ बताई थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो पेरेंट बॉडी से डॉटर बॉडी में जा रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया कि वो फैक्टर है, जो आज हम जीन के नाम से जानते हैं जिसे। थैंक यू।